कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.2 इसका हम 11वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है एपी 3, 15, 27, 39 इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39 इस प्रकार से। सबसे पहला काम यह है, यदि हमें एपी दी हुई है तो इसमें से हम इसका ए और डी निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी एपी में जो उसका पहला पद होता है वह होता है ए। तो इसमें देखिए सबसे पहले ए कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया। और डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने का मतलब है दूसरे पद में से पहला पद या तीसरे पद में से दूसरा पद या चौथे पद में से तीसरा पद माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम डी निकाल रहे हैं दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके, तो यहाँ से डी हमारे पास किसके बराबर आ गया है, 15 - 3 ये आ गया है 12 के बराबर। तो ये एक ऐसी एपी है जिसका प्रथम पद है 3 और जिसका सार्व अंतर डी है 12। आइए अब हम प्रश्न को ध्यान से देखें। प्रश्न है इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसका मतलब इसका एक पद होगा, मान लेते हैं उसको ए एन, यह इसके 54वें पद से यानी कि ए 54 से 132 अधिक है। यह अधिक है इससे यानी इसमें से यह माइनस कर दो तो यह 132 के बराबर आना चाहिए। एक बार फिर से हम इस प्रश्न को समझते हैं कि इस दी गई एपी का कौन सा पद यानी कि उसको मान लेते हैं ए एन, यह 54वें पद से 132 अधिक है यानी ए एन माइनस ए 54 बराबर है 132। ठीक है, तो आइए इसे हल करके देखते हैं। ए एन का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसे हम रख लेते हैं बड़ी ब्रैकेट में माइनस तो माइनस फिर से बड़ी ब्रैकेट। ए 54 का मतलब हो गया ए प्लस 53 डी ब्रैकेट बराबर 132। इसे हम हल करेंगे, इसमें ए और डी का मान रखेंगे। देखिए ए ए कितना है, 3 प्लस एन, एन हमें नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 12, ये ब्रैकेट बंद माइनस अगली ब्रैकेट ए, ए कितना है 3 प्लस 53 गुना डी, डी है 12, यह बराबर होगा 132। इसे हम हल करते हैं, 3 प्लस 1 गुना 12, इसे हम रखते हैं ब्रैकेट में माइनस, यहां पर यह है 3 प्लस 53 को हमें 12 से गुना करना है, तो देखिए 12 दिया 36, 6 हासिल आया 3, 12 पाने 60, 60 और 3 63, ये बराबर आ गया 132। तो पहले हम इतने काम की फोटो खींच लेते हैं उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आइए देखें, अब हमारे पास इस इक्वेशन को हम हल करेंगे। सबसे पहले वहां पर देखिए पहले वाली ब्रैकेट में है 3 प्लस एन माइनस 1 गुना 12 माइनस, अगले यहां पर है 636 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 639 बराबर 132। फिर से इसको लिखेंगे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 132, 639 इस ब्रैकेट के साथ माइनस हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। इसे हम आगे हल करते हैं, देखिए ये है एन माइनस 1 गुना 12 बराबर, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 9 और 2 11 हासिल आया 1, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, यह आया 771। लेकिन हमें ध्यान देना है कि अभी हमने इसको तो लिखा है ये 3 अभी यहाँ पर रहता है, इस 3 को ये इसके साथ यहाँ प्लस हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस।
अगले स्टेप में ये आ गया n माइनस एक गुना बारह बराबर 771 में से 3 निकाल दिया तो ये बन गया 768। अगले स्टेप में n माइनस वन बराबर है 768, 12 इसके साथ यहां हो रहा है गुना, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाह ठीक है, 12 6 72, 76 में से 72 निकाला 4 4 8 48, 12 2 48, तो यहाँ गया n बराबर यहाँ पर है 64, ये माइनस वन है उधर याद हो जाएगा प्लस वन, n हो जाएगा 64 और 65। तो हमारे पास n किसके बराबर आया है, 65 के बराबर आया है। हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था इसका कौन सा पद 54 में पद से 132 अधिक होगा, यानी कि 65वां पद। तो यही हमारा प्रश्न